नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है एसएससी क्लब का प्रैक्टिस क्यू सीरीज का सॉल्यूशन वीडियो। आज के टॉप 5 कमेंट थे राजेश प्रजापति, सरफराज आलम, रवि कुमार झा, कॉमेडी वर्ल्ड, अनुज कुमार। तो ये सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले 10 डेज सही आंसर था, और बाकी जिन्होंने आंसर गलत दिया है या कमेंट किया है बाद में, उन लोगों के लिए थैंक्स। इसी तरह कमेंट करते रहें। देखते हैं आज का सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन था, अमर इज टू टाइम्स एज गुड एज वर्क मैन एज बादल एंड देर फॉर इज एबल टू फिनिश जॉब इन 15 डेज लेस देन बादल। इन हाउ मेनी डेज कैन टूगेदर कम्प्लीट द जॉब। दो है, एक अमर है और एक बादल है। उसकी इफिशियंसी दी हुई है 2:1। डायरेक्ट दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, टू टाइम्स इज गुड एज बादल। तो दो टाइम्स क्या है, इफिशियंसी डायरेक्ट दिया है। मैंने टाइम एंड वर्क के वीडियो में बताया है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो अमर है वो 15 दिन कम लेता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बादल काम करने में। इसका मतलब कि ये एक्स दिन लेगा, तो अमर कितना लेगा, एक्स माइनस 15 डेज। यहाँ इफिशियंसी है, यहाँ डेज है। और मैंने बताया था डेज और इफिशियंसी मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकलता है, और दोनों वर्क सेम कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेट हम लोग कर देंगे। 2 × x − 15 = 1 × x। देख रहे होंगे आप, यहाँ से 2x − 30 = x हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x सबट्रैक्ट में जाएगा और 30 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 30। लेकिन यहाँ निकालना है दोनों काम कितने दिन में करेंगे, साथ में अगर काम करेंगे तो। यहाँ x = 30 सिर्फ नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, दोनों लोग काम करना क्या है। तो यहाँ से तो एक का निकल गया, दूसरा क्या है, x − 15 था। तो दूसरा जो अमर है वो 15 डेज में काम करेगा, और मैंने फिर से वही शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ। दो अगर काम साथ में करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, x × y, x + y। तो यहाँ से 30 × 15 / दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। 5 से 3 बार में और 3 से 10 बार में, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 10 डेज। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ए और बी का एफिशिएंसी 2:1 था। एक्स माइनस 15 डेज ले रहा है अमर, और बादल एक्स दिन ले रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम लोग एफिशिएंसी और डेज में मल्टीप्लाई करते हैं, वर्क निकलता है, और यहाँ से दोनों का वर्क सेम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने इक्वेट कर दिया, एफिशिएंसी × डेज। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 30, जो कि मैंने माना था बी का, और ए का कितना हो गया, 30 − 15, तो 15। और मैंने दोनों का साथ में निकालने का एक शॉर्टकट बताया है, इसको मैंने यूज़ करके 10 डेज आंसर ले आया। ये था आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरह कमेंट करते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।